तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर है, जिसके दम पर भारत ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी है। और इसी धाक को कायम रखने के लिए साल 2020 अंतरिक्ष की दुनिया के लिए क्या टारगेट लेकर आया है, देखिए रिपोर्ट। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अब स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में साल 2020 भी भारत के लिए बेहद खास रहने वाला है। दरअसल नए साल पर इसरो चीफ के सिवन ने 2019 की उपलब्धियां और 2020 के टारगेट को बताया। उन्होंने 2020 के टारगेट के बारे में बताते हुए कहा कि तमिलनाडु की थूथुकुडी में नया स्पेस पोर्ट बनेगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो अभी 7 साल तक काम करता रहेगा। दुनिया में GPS सिस्टम को मान्यता देने वाली संस्था 3GPP ने हमारे नाविक पोजिशनिंग सिस्टम को मान्यता दे दी है, इसलिए जल्द ही देश के सभी मोबाइल में अपना पोजिशनिंग सिस्टम होगा। वी आर प्लानिंग टू डू ऑल ए मेजर प्रोजेक्ट्स, न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स एंड एट द सेम टाइम दैट इज द launching the satellites required for our societal purpose also planned this one. These are the things now planned this year. के सिवन ने चंद्रयान 2 की असफलता की वजह बताते हुए कहा कि चंद्रयान 3 को सरकारी अनुमति मिल गई है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 एकदम चंद्रयान 2 जैसा होगा, लेकिन इस बार सिर्फ लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉडल होगा, जिसमें ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में इसमें मदद ली जाएगी। वहीं गगनयान प्रोजेक्ट के शुरुआती पड़ाव के तहत अनमैन्ड मिशन इस साल करने की प्लानिंग है और 2020 पूरा का पूरा गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग रूस में होगी। The system was not ready for making because mainly the hardware, the components were not available for the satellites. Also there was some limitations in number of the launch vehicle, this one. And whatever we planned that last year, that one, that remaining things now is spill over this year. And by March, we will be launching whatever the satellite is supposed to be launched by this year, I mean last year, by March. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर है। भारत के लिए साल 2019 अंतरिक्ष में उपलब्धियों का साल रहा, जिसके दम पर भारत ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी है और अब साल 2020 भी इसी धाक को आगे जमाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।